हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। सरकार स्टडी वेव्स के इस वीडियो में आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस, और ये सिलेबस आपको काम आने वाला है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स जैसे व्यापम, एसएससी, रेलवेज, बैंक, आरआरबी, असिस्टेंट लोको पायलट और उन तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जहाँ पर मैथ्स पूछी जाती है। समस्या ये होती है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भाग ले रहा है हर स्टूडेंट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं होता है, तो उसे जो मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो समझने में बहुत बहुत दिक्कत आती है। जैसे कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है या आर्ट्स का है, तो उसे समझने में बहुत बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़े टेढ़े टाइप से होते हैं। तो यदि आप मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट समझना चाहते हैं और मैथ्स को एकदम स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो सीरीज़ चल रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप बेसिक से मैथ्स सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। अब तक ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है देव। अब तक का यदि मैं आपको बताऊँ कि जो सिलेबस था पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में से सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन में हमारा बोर्ड मास रूल, डेसिमल्स और फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब अब क्या चल रहा है अभी, वर्गमूल, और वर्गमूल भी आज हमारे इस वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम जो देखेंगे वो है अर्थमेटिक। पार्ट टू में हम पढ़ने वाले अर्थमेटिक पढ़ेंगे और पार्ट थ्री में हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ्स। आज का जो टॉपिक है वर्गमूल पार्ट फोर, नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियोस में अब तक हमने पढ़ा कि कैसे बड़ी से बड़ी जो वर्गमूल वर्ग के अंदर कर्णी के अंदर संख्या रहती है उनका वर्गमूल हम कैसे आसानी से निकाल पा रहे थे, ठीक है, और तीन दो अंकों की जो संख्या रहती है, तीन अंकों की संख्या है, चार अंकों की संख्या है, पाँच अंकों की संख्या है, तक तो हमने वर्गमूल बहुत आसानी से निकाला है। लेकिन एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर यदि 75 लिखा है कहीं पे, ठीक है, या 252 लिखा है, तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका जो जो डाउट है वो एकदम वाजिब है, क्योंकि वो कह रहा था कि सर आपने तो ये बताया नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब मैंने बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसे कैसे करना है, ठीक है। इन वाले प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ 75 लिखा है करने के अंदर, इन वाले प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है गुणनखंड। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड वाली विधि से हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो 75 है, 75 को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में। कैसे? और यहाँ पर 25 गुणा 3 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ रहा है इसमें? नहीं पड़ा, ठीक है, 25 75 ही होता है, ये हमने लिख लिए। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ क्या मिल गई कि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या लिखा है, जो वर्ग के अंदर लिखा है क्या 25, तो इसका हमें वर्गमूल पता है क्या है 5, लिख लिए। अब क्या बचा है? करणी के अंदर 3, इसका हमको नहीं पता, इसको ऐसे लिख लिए। तो इसका इसका ये जो सिंपली सिंपल फॉर्म है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को करते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न आएंगे स्क्वायर रूट वाले टॉपिक से, वो आपको आएंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले ही प्रश्न पूछेंगे जो जो अभी तक हमने प्रैक्टिस में किए हैं। और लेकिन यदि जैसे करणी 3 का आ जाए, ठीक है, करणी 3 का आ जाए तो हमें कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो जो पूछेगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, क्या करणी 4 दिया है, वो करणी 4 का हमको पता है वर्गमूल 2 है, तो इस टाइप का पूछेगा वो। मतलब ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही पूछेगा, इस तरीके का ये पूछेगा। और जैसे करणी 5 है, वो इस तरीके के प्रश्नों को वहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है, समझ गए आप। तो यदि फिर भी पूछ ले तो क्या करना है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, वो ये है, ठीक है। ये जो फार्मूला है करणी के अंदर एक्स प्लस माइनस वाई बराबर करणी एक्स धन ऋण वाई अपॉन टू करणी एक्स, ये लिखा है। ये फार्मूला आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। देखो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 35, 35 लिखा है, तो 35 का हमें जो वर्गमूल है वो नहीं पता है। लेकिन यदि यहाँ पे 36 रहता है, 36 का तो हमें पता है 6, ठीक है, 36 का हमें पता है 6, तो हम क्या करेंगे, जो 35 है, 35 को हम 36 के इस तरीके के फॉर्म में बनाएंगे कि यहाँ पर 36 आ जाए, ठीक है। तो 36 हम कैसे ला सकते हैं, 36 लिख दिए, ऋण 1 कर दिए, इसको हम
आगे पीछे मल्टीप्लाई या फिर माइनस करके जो भी हमको तरीका समझ में आता है वो हम यहाँ पर कर दिए। लेकिन इस वाले जो फॉर्मूले हैं उसमें हम क्या करेंगे, या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर कर दिए, अब इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? 36 ऋण 1 लिखे तो 35 ही तो है इसका मान, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी जो हमारी समस्या है वो सॉल्व होगी क्या, कि हमको जो फॉर्मूला है ये वाला, वो वाले इस वाले फॉर्म में मिल गया, ये जो संख्या है इस वाले फॉर्मूले के फॉर्म में मिल गई। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है करनी एक्स धन ऋण, धन या ऋण वाई, ये लिखा है। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, 36 क्या मिल गया एक्स के रूप में मिल गया, ऋण 1 क्या मिल गया वाई के रूप में मिल गया। आया समझ क्या हुआ? 36 जो है एक्स के रूप में मिल गया और जो 1 है वो किसके रूप में मिल गया, वाई के रूप में। ये फॉर्म मिल गया हमें, ये फॉर्म जब मिल गया है और इसका हमें, यदि हमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमें जो यूज़ करना है फॉर्मूला वो ये है। कैसे? क्या लिख दो, करनी के अंदर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 36 लिख दो, यहाँ पे क्या माइनस, तो यदि प्रश्न में माइनस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो हमारे पास पास में जो प्रश्न है उसमें माइनस है, यहाँ भी क्या आएगा माइनस। अब क्या है वाई, वाई कितना है 1, 1/2 क्या कर देंगे हम, यहाँ पे 1 लिख लिए और 1/2 फॉर्मूले के अनुसार में 2, करनी कितना है एक्स कितना है 36, ये लिख लिए। आया समझ? अब ये प्रश्न बहुत ही आसान हो गया, क्यों? क्योंकि 36 का वर्गमूल होता है 6 ऋण 1/2, 36 का वर्गमूल होता है 6, इतना आ गया 6 ऋण 1/12। अब यहाँ से तो बहुत आसान हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, नहीं सॉरी 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 ऋण 1/12, इस तरीके से एलसीएम लेंगे हम इसका। और कितना आएगा फिर यहाँ पे आ गया 71/12, इसको हम यदि भाग देंगे तो कितना आएगा 5.91। आप यहाँ पे भाग देकर देख सकते हैं इतना इसका आंसर आएगा। तो समझ आया कैसे करना है, ये 35 का जो वर्गमूल है हमें निकालना है, उस तरीके से हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। और यदि फिर भी समझ ना आया हो तो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे 50 का हमें निकालना है वर्गमूल, तो 50 को हम देखेंगे कि इसके आसपास कोई संख्या है क्या जो मतलब जिसका पूर्ण वर्ग हमें पता हो या पूर्ण वर्ग हम निकाल सकते हैं। हमने देखे 49 है इसके जस्ट पहले वाली संख्या, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 49 वाले फॉर्म में ढालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 49 है, अब यहाँ 50 बनाना है, क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। आया समझ? 49 धन 1 हो गया तो कितना हो गया 50, 50 आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, हम अच्छे से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 49 हमने यहाँ पे लिखे तो हमको ये पता है कि यहाँ पे इसका जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 7 हमको पता है, तो हम क्या कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा 7, क्या निकलेगा 7। देखो कैसे करते हैं, एक्स प्लस वाई, ये फॉर्म तो बन गया है, सबको समझ में आ रहा है ये फॉर्म बन गया है। अब क्या करेंगे, करनी 49, यहाँ पे धन है, धन लगा दिए, 1/2 क्या लिख दिए 2, करनी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना है यहाँ पे, एक्स का मान है यहाँ पे 49, ठीक है, और वाई का मान था 1, क्या कर दिए, करनी 49 है, कितना आएगा वर्गमूल इसका 7, धन 1/2 थोड़ी 7, ये हो गया। अब आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, 7 धन 1/14, इसके बाद इसका जो वर्गमूल आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ किस तरीके से यदि इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए आप जो इसका जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लें। और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही जो हमारा इसका रूट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारे और बेसिक कंसेप्ट है वो हम देखेंगे, जो जो हमारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, बेसिकली एक इक्वेशन है, मैथमेटिक्स की एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, बहुत मूलभूत समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको समझते क्या है, देखो कहीं पे आ गया ए धन बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए धन बी का होल स्क्वायर आ गया, तो उसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे उसे आगे विस्तार करेंगे। ओके, ऐसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, आया समझ कैसे करेंगे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ऐसा हम इसको करेंगे। और यदि इस तरीके का आ जाए ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, तो
तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा फॉर्म आए तो यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ये फॉर्म बना सकते हैं, और यदि ये फॉर्म आए तो हम उसे इस वाले रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमें हमने एक एग्जांपल लिया, ये यहाँ पे एक इक्वेशन जैसे दिया है, मतलब ये प्रश्न है 4.85 * 4.85 ये दिया है, धन 0.15 * 0.15 धन 2 * 4.85 * 0.15। यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा, ये 4.85 यदि यहाँ पे लिखा है मल्टीपल में यहाँ पे लिखा है, तो हम कैसे कैसे ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये इसी का फॉर्म तो है, ये 4.85 का वर्ग यदि लिखेंगे तो हम उसे बेसिकली यही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एक कुछ तो मतलब जो जो क्लू रहता है क्वेश्चन तक, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आंसर तक पहुँचने का, एक हमें यहाँ पे मिला। अब देखो इसके अगले वाली स्टेप में जाते हैं, क्या है 0.15 * 0.15 ये दिया है यहाँ पे, तो हम इसको भी हम क्या ले सकते हैं ऐसे, आया समझ, 4.85 का वर्ग यहाँ पे लिख दिए, धन 0.15 का वर्ग धन की क्या हो गया 2, और ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या 4.85 * 0.15 ये लिख लिए, ये दोनों लिख लिए। अब देखो कुछ तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, क्या जैसे ए मिल गया, ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर धन क्या हो गया, धन 2 2 भी मिल गया हमें। अब क्या है यहाँ 4.85 * 0.15 क्या है ये ए है, ये यहाँ पे आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, और ये क्या है बी, तो ये 0.15 ये आ गया यहाँ पे बी। इस तरीके से ये जो फॉर्मूला है इस वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठ रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सपांड रूप है, विस्तारित रूप है, हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, 4.85 * 0.15 का वर्ग लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया, अब देखो इसको प्लस कर देंगे कितना आएगा, 5 5 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग कितना आएगा 25, तो यहाँ पे आ गया क्या 25 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन को लेने का तात्पर्य ये है कि आपको ये जो इक्वेशन है ये आपको समझ आए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अब यदि यहाँ पे आ जाए कि यहाँ माइनस हो जाए तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, ठीक है, वो ऐसे होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बी स्क्वायर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस लग जाएगा 2 के सामने, यहाँ पे सभी में प्लस था, सभी में प्लस था क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे क्या हो गया इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या 2 के सामने क्या लग गया माइनस इस वाले फॉर्म में। ठीक है, अब इसको एक लेते हैं एग्जांपल कैसे करेंगे इसको, देखो ये प्रश्न है, प्रश्न में हमको देखा 6.15 * 6.15 धन 0.125 * 0.25 ये लिखा है, और ऋण क्या है 2 * 6.15 * 0.25 ये लिखा है, 6.25 * 0.25 ये लिखा है। तो हमें क्या मिला यहाँ से क्लू कि 6.25 के रूप में का वर्ग के रूप में इस वाले फॉर्म को लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं। अब देखो इस वाले टर्म को भी क्या लिख सकते हैं, 0.25 का वर्ग लिख सकते हैं, ऋण 2 गुणा ये तो है फिर गुणित कितना 6.25 * 0.25 ये इस तरह लिख सकते हैं। अब हमको क्या मिल गया, ये वाला फॉर्म मिल गया यहाँ पे, ठीक है, क्या मिल गया ये ए स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, ए यहाँ पे समझने के लिख लो ए स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया -2ab ये हो गया, क्योंकि ए का मान क्या ले रहे हैं हम, यहाँ क्या मान लिया हमने 6.15 यहाँ पे ए है और 0.25 यहाँ पे क्या है बी है, तो ये वाला फॉर्म हमें मिल गया। अब ये वाला समीकरण का ये वाला भाग हमें मिल गया, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए -b का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे 6.25, ऋण क्या हो गया बी क्या है यहाँ पे 0.25, आया समझ कैसे किए। अब देखो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा, ये कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, और ये इसका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आई, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। यदि यहाँ पे आया ए स्क्वायर -b स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है,
बहुत बेसिक वाली, बराबर है ए प्लस क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी, इस तरीके से आएगा। इस वाली इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे ये लिया है, ये दिया यहाँ पे एग्जांपल, 0.03 का वर्ग ऋण 0.1 का वर्ग ये दिया है, बटे क्या दिया है, 0.03 माइनस 0.01 ये दिया है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या मान सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है, बी स्क्वायर मान सकते हैं इसको, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, ए क्या आएगा, ए बराबर आएगा 0.03, और बी क्या आएगा हमारा, 0.01। समझ आया, ठीक है, ए और बी हमको यहाँ मिल गए, और ये किस वाले फॉर्म में मिल गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस वाले फॉर्म में मिल गए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, ये जो ऊपर वाला जो फॉर्म लिखा है इक्वेशन में वो हमें मिल गया। अब यदि ऐसा हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, इस तरह लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं कैसे आएगा, ए प्लस बी है यहाँ, क्या है ए प्लस बी, तो हमारा ए कितना है, 0.03 धन, बी कितना है यहाँ पे, बी कितना है, 0.01, एक ब्रैकेट में आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 0.03 माइनस 0.01 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर लिए। अब देखो इसको हम आगे कैसे करेंगे, या बटे में ये भी तो चल रहा है, 0.03 ऋण 0.01, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि जो जो नीचे नीचे वाला हर है, 0.03 माइनस 0.01 ये है, तो ऊपर आंसर में भी यही संख्या हमें मिल रही है, एक ब्रैकेट में क्या, 0.03 ऋण 0.01, ये दोनों मिल गए, समान है, काट डालो, ठीक है, कट गया वो, कितना हो गया, 0.03 धन कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना, 0.04, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ कैसे किया हमने से। तो ये जो तीन इक्वेशन हमने पढ़े यहाँ पे, कौन कौन सी, ये एक ये हो गई, और एक ये दो, और ये तीन, ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन है बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, ये हम जो आगे इसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो और समझ आई हो अच्छे से। यदि पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक क्यों किया है आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसे सुधार कर सकें। और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ जहाँ हो सके आप इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल पर अपलोड हो रही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।